अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लोकल आइसेंट्रोपिक फ्लो जो कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए है पढ़ी थी, जिसमें हमने सेट ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस ड्राइव किए थे और एरिया चेंजेस के भी जो हमारे पास रिजल्ट्स थे वो हमने ट्राई किए थे, और उनमें से जो रिजल्ट्स हमने यूज़ किए थे, वो जो बल्कि ड्राइव किए थे, उनको अब हम यूज़ करेंगे अपने एक एग्जांपल के अंदर। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल क्या है, और फिर देखेंगे कि कौन से रिजल्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं। एयर फ्लोज आइसेंट्रोपिकली इन अ चैनल, ओके, आइसेंट्रोपिकली जो है वो फ्लूड फ्लो कर रहा है। एट सेक्शन वन द मैक नंबर इज 0.3 एंड एरिया इज 0.001 मीटर स्क्वेयर, ओके, एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 650 किलो पास्कल, दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड 62 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट सेक्शन टू वी हैव द मैक नंबर 0.8, स्केच द चैनल शेप, प्लॉट टीएस डायग्राम फॉर द प्रोसेस एंड इवेलुएट प्रॉपर्टीज एट सेक्शन टू एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स एग्री विद द बेसिक इक्वेशंस ऑफ 13.2। अब सबसे पहले तो हमें ये आइडिया लगाना है, सबसे पहले उसने क्या कहा है, जो हमें फाइंडिंग है, जो हमें फाइंड आउट करनी है चीजें, सबसे पहले उसने कहा है स्केच द चैनल शेप। तो सबसे पहले तो हमें चैनल शेप बतानी है कि चैनल शेप क्या होगी। अब चैनल शेप हम देख चुके थे कि वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बोथ टाइप्स की हमारे पास थी, ओके, एंड हम यहां पर किस टाइप की जो चैनल ज्योमेट्री लेंगे। अब हमें जो चैनल ज्योमेट्री लेनी है वो डिपेंड करेगी जो मैक नंबर वैल्यूज गिवन है उनको देख के हमें पता चलेगा। हियर वी हैव मैक नंबर 0.3 to 0.8, कि हमारे पास मैक नंबर क्या हो गया है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास कहीं से क्या होगा, कन्वर्जिंग चैनल होगा, ओके, कन्वर्जिंग नोजल होगी और फ्लूड जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं इस टाइप का चैनल जो है वो ड्रा कर दूंगा कि अगर मैं चाहता हूं कि स्पीड बढ़ जाए, फ्लूड एक्सेलरेट करे, तो फिर मुझे किस टाइप का चैनल लेना पड़ेगा। आर चैनल ज्योमेट्री शुड बी कन्वर्जिंग चैनल, सो वी आर अज्यूमिंग हियर चैनल ऑफ द टाइप दिस, कन्वर्जिंग चैनल ले लिया जी। सबसे पहला काम हमने कर लिया, और यहाँ कहीं पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया 1 ले लेते हैं, यहाँ कहीं पे क्रॉस सेक्शन एरिया 2 कह देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली प्लॉट टीएस डायग्राम, हमने इससे पहले भी जो आइसेंट्रोपिक कंडीशंस के लिए जो टी एस डायग्राम है वो डेवलप की थी, क्योंकि सेम एंट्रोपी पे आप लोगों ने S1 = S2 है, तो आप लोग इस लाइन से आगे पीछे S वैल्यू से जनरल वैल्यू से आगे पीछे मूव नहीं होंगे, आप लोग यहीं पे रहेंगे S की वैल्यू सेम पे, ओके। यहाँ पे आप लोगों के पास T1 और T2, स्टार्ट में हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी है। हियर वी हैव टेम्परेचर T0 at position 1 we have temperature T1 and somewhere in position T2 we have this temperature, okay, T1 and T2 temperatures. Well, अभी हमें सेकेंड वैल्यू पे टेम्परेचर का नहीं पता, तो मैं इसको आर्बिट्रेरीली ड्रा कर रहा हूँ। तो प्रेशर जो लाइन्स होंगी ये उसी के अकॉर्डिंगली जो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज,
स्टार्ट में स्टैग्नेशन वैल्यूज जो हैं, स्टैग्नेशन वैल्यूज जो उसने लिखी हैं, पी नॉट वन पी नॉट टू इज इक्वल टू, दोनों इक्वल लिखने का मतलब ये है कि हमारे पास इनिशियली वैल्यूज जो हैं वो स्टैग्नेशन वैल्यूज या स्टैग्नेशन पॉइंट पे वैल्यूज जो हैं ये सेम है, ये दोनों वैल्यूज को राइट करने का। ओके, अब हमने अपना सेकेंड टारगेट अचीव कर लिया कि हमने टी एस डायग्राम को चेक कर लिया। वेल, इवेल्युएट द प्रॉपर्टीज एट सेक्शन टू। सेक्शन टू पे इसकी जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करते हैं हम। चलें जी, यहां पर आप लोगों को सेक्शन वन पे मैक नंबर, टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, ऑल वैल्यूज आर गिवन एट फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड वी हैव आल्सो गिवन मैक नंबर 0.8 एट सेकंड, एंड यूजिंग द प्रीवियस इक्वेशंस we will find out the values of the remaining ones. और हमने 13.2 के साथ इसको compare भी करना है। 13.2 देख लेते हैं कि 13.2 क्या है, क्यों है, जिनके साथ हमने इसको compare करना है। तो ये जो equations हैं, 13.2, ये set of equation जो हमने पहले derive किया था, ये set of equation के साथ सारे के सारे agree करती हैं। यहाँ पर हम values put करके देखेंगे कि क्या हमारे पास जो तमाम रिजल्ट्स हैं दे आर शोइंग एग्जैक्ट एग्रीमेंट विद दिस इक्वेशंस आर नॉट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चैनल शेप और टीएस डायग्राम होगी प्रॉपर्टीज एट क्रॉस सेक्शनल एरिया टू फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे कि टेम्परेचर एट सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया we will have stagnation values at second and first end, both are same and they are equal to t1 into 1 plus k minus 1 over m max square. अच्छा, ये value कहाँ से आई है? ये वैल्यू आप लोगों को मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि जो उसने ये इक्वेशंस राइट की हैं ये कहाँ से राइट की हैं। ये बेसिकली स्टैग्नेशन वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ मैं। पहले स्टैग्नेशन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, स्टैग्नेशन वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड एंड पे दोनों पे सेम होती है, सॉरी इसमें लिखा है, और ये रिलेशन बेसिकली आया है उस वैल्यू से जो हम लिखते थे कि टी नॉट ओवर टी इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन ओवर 2, basically here we have 2 max square. तो यहां से t naught की value क्या आ जाएगी, इस t को दूसरी साइड पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास टेम्परेचर एट फर्स्ट एंड भी है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। केल्विन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसमें 62 में 273 को जस्ट एड करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आप लोगों के पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। Here we are assuming k is equal to again 1.4, तो 1.4 minus 1 over 2 and we are using Mach number 0.3 at initial end, first end. So solving this we have temperature value 341 Kelvin. ये हमने stagnation temperature at first end and second end दोनों वैल्यू सेम है तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके जी, मुझे बेसिकली स्टैग्नेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं स्टैग्नेशन के जरिए जनरल टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकता हूं, तो इस वजह से मैंने जो फर्स्ट टेम्परेचर है उसको यूज करते हुए स्टैग्नेशन पे गया, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने बात की थी ये देखें T1 स्टेट आपको गिवन है, तो T1 से T2 तक जाने के लिए आप इस स्टैग्नेशन स्टेट की तरफ जाएंगे। ये एरो को ध्यान से देखें, ये एरो यहां पर जैसे लगे हुए हैं ये मैं बता देता हूं। स्टेट 1 से हम गए हैं स्टैग्नेशन स्टेट पर, और यहां से दोबारा स्टैग्नेशन स्टेट से
T2 तक जाएंगे, यानी कि स्टेट वन टू स्टैग्नेशन स्टेट एंड देन टू स्टेट टू। तो यहाँ पर यही काम हम कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल जो फर्स्ट स्टेट थी उससे मैं स्टैग्नेशन स्टेट पे आ गया हूँ। अब मैं स्टैग्नेशन स्टेट को यूज करके टाइम एट सेकंड एंड फाइंड आउट कर लूंगा। तो इसने पहले प्रेशर फाइंड आउट किया है, मैं प्रेशर के बजाय टेम्परेचर ही फाइंड आउट करता हूँ सेकंड एंड पे। तो अब मेरे पास रिलेशन जो है स्टैग्नेशन का सेकंड एंड के लिए क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट एंड के लिए बेसिकली मैंने काम किया। अब सेकंड एंड के लिए जो मेरे पास स्टैग्नेशन वैल्यू है वो मुझे पता है, स्टैग्नेशन टी नॉट वन भी मुझे पता चल गई और स्टैग्नेशन टी नॉट टू भी मुझे पता चल गई, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है स्टैग्नेशन वैल्यू। तो टी नॉट टू ओवर टी टू इज इक्वल टू, ये उसी फार्मूला को दोबारा से यूज करूंगा, वो किसके इक्वल है, वन प्लस के माइनस वन ओवर टू मैक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, टी टू। तो टी टू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए T2 is equal to, T2 को आप उधर शिफ्ट कर दें, ये सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी टी नॉट टू ओवर वन प्लस के माइनस वन ओवर टू मैक्स स्क्वायर। वेल, तो हमारे पास मैक नंबर की वैल्यू है टी नॉट टू अभी जो हमने फाइंड आउट की इन केल्विन, एंड वी हैव के 1.4 ओवर 1.4 माइनस 1 ओवर 2, तो ये 0.2 रह गया। K की वैल्यू 1.4 पुट कर रहा हूँ एयर की वजह से, मैक नंबर स्केयर है 0.3 स्केयर आ गया है। वेल, मैक नंबर ओके, अब मैं 0.8 यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अब सेकंड एंड पे, सेकंड एंड पे मैक नंबर 0.8 यूज करेंगे, और यहाँ से टेम्परेचर एट सेकंड एंड 302 केल्विन। अब देखिए मैंने क्या काम किया, मैं T1 से T01 पे गया और T01 और T02 स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी सेम थी, फिर T02 को यूज करते हुए दोबारा से मैं कहाँ आ गया, T2 पे आ गया। ओके जी, T1 स्टेट से स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन से दोबारा T2 स्टेट पे। ऐसे ही प्रेशर के लिए काम करेंगे कि मैं P1 को यूज करते हुए स्टैग्नेशन वन वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, जो कि स्टैग्नेशन टू वैल्यू के भी इक्वल होता है, प्रेशर एट स्टैग्नेशन एट फर्स्ट एंड और सेकंड एंड दोनों सेम है, और मुझे पता है P0 ओवर P की जो वैल्यू है वो यूज करूंगा। ये मेरे पास इक्वेशन है P0 ओवर P की, ये वाली इक्वेशन को यूज करूंगा मैं, 1 plus k minus 1 over 2 m square। तो इसको यूज करते हुए P01 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी P1 into 1 plus k minus 1 over 2 mac at first and whose square k over k minus 1। ओके जी, तो ये जो वैल्यूज आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों के पास P02 की जो वैल्यू आएगी, जिसमें आप लोग P0 की, ये देखें ये वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पे पुट की गई हैं, 650 किलो पास्कल, 1 plus 0.2 into 0.3 square, whole power 3.5। तो 3.5 बेसिकली क्या ऐसे आया है, ये k की जगह पे 1.4 पुट करने के बाद, तो इसकी जो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो आया है मेरे पास 692 किलो पास्कल, 692 किलो पास्कल, ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया है मेरे पास। ये आप लोगों ने स्टैग्नेशन वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब सेकंड एंड पे अगर स्टैग्नेशन वैल्यू आप लोगों को पता है तो फिर स्टैग्नेशन वैल्यू को ही यूज करते हुए जो स्टैग्नेशन रिजल्ट था दोबारा, स्टैग्नेशन एट सेकंड और प्रेशर एट सेकंड इज इक्वल टू 1 plus k minus 1 over 2 मैक्स स्क्वायर के ओवर के माइनस वन। तो यहां से प्रेशर एट टू फाइंड आउट करने हैं आप लोगों ने, तो क्या आएगा, स्टैग्नेशन वैल्यू एट सेकंड एंड ओवर 1 plus k minus 1 over 2 मैक्स स्क्वायर और होल पार के ओवर के माइनस वन। ओके जी, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। तो जब ये वैल्यूज आप लोगों के पास आ गई तो अब आप लोग इसको सिंपलीफाई करें कि जो वैल्यू आप लोगों ने प्रेशर की फाइंड आउट की है सेकंड एंड पे वो वैल्यू पुट करें, दैट इज 692 किलो पास्कल।
ओवर 1 प्लस के 1.4 है, ये के माइनस 1 ओवर 2 जहां पे भी आएगा 1.4 माइनस 1 ओवर 2, तो ये 0.4 ओवर 2 0.2 लिख रहा हूं मैं इसको हर जगह पे। मैक नंबर एट सेकंड एंड जो है वो 0.8 है उस सारे का स्क्वायर, और ये 1.4 ओवर 0.4 ये 3.5 वैल्यू बन रही है। तो ये वैल्यूज जब आप लोग सिंपलीफाई करेंगे वाई कैलकुलेटर, तो वी हैव प्रेशर एट सेकंड एंड इज 454 किलो पास्कल। तो देखें अब मैंने प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए भी फर्स्ट एंड के प्रेशर से स्टैग्नेशन प्रेशर पे गए हैं, और स्टैग्नेशन प्रेशर को फिर यूज करते हुए हमने सेकंड एंड प्रेशर को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने टेम्परेचर और प्रेशर फाइंड आउट कर लिया, हम डेंसिटी रिलेशन की तरफ जाते हैं। डेंसिटी रिलेशन से पहले रेशियोज ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट की हैं, T2 ओवर T1 रेशियो ऑफ टेम्परेचर, रेशियो ऑफ प्रेशर तमाम ही फाइंड आउट कर लेंगे। T2 और T1 की जो रेशियो है वो क्या है हमारे पास, T2 ओवर T1 की जो रेशियो आएगी मेरे पास, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं T2 ओवर T0 के दोनों को ही डिवाइड कर लेता हूँ, ताकि जो मेरे पास T0 ओवर T की वैल्यूज हैं, बेसिकली वैल्यूज हमारे पास जो मौजूद हैं वो T0 ओवर T की हैं, तो उन वैल्यूज का हमारे पास रेसिप्रोकल आएगा। तो रेसिप्रोकल अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो ये T0 ओवर T2 ओवर T0 है, T1 ओवर T0 है, और मैं चाहता हूँ T2 ओवर T0 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी T2 ओवर T0 की, वो किस फार्मूले से आएगी, वो फार्मूला हमारे पास अगेन T0 ओवर T है। तो अब हमारे पास T ओवर T0 है, तो T ओवर T0 है, तो सेकंड वैल्यू को आप उसके अपोजिट साइड पे लिख लें, उसका रेसिप्रोकल लिख लें, 1 प्लस के माइनस 1 ओवर 2 मैक सेकंड एंड स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आई है यहां पर, और T1 ओवर T0 जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो मेरे पास तो T0 ओवर T1 का फार्मूला होता है, स्टैग्नेशन वैल्यू ऊपर होती है, जनरल वैल्यू नीचे होती है, तो इसका रेसिप्रोकल जब आएगा तो अपोजिट साइड पे आ जाएगी मैक नंबर फर्स्ट एंड स्क्वायर। ओके जी, दोनों वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। अब मैंने सिर्फ क्या करना है, दोनों में मैक नंबर की वैल्यूज और k इज इक्वल टू 0.4 पुट करना है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इन दोनों की रेशियोज का, दैट इज इक्वल टू 0.9025। ओके, तो दोनों के रेशियोज का जो रिजल्ट आ गया है, टेम्परेचर जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, इस टेम्परेचर को एट सेकंड एंड फाइंड आउट करने के लिए T2 इज इक्वल टू 0.9025, दैट इज इक्वल टू इनटू T1। T1 आपको पता है, T1 क्या था हमारे पास, 62 केल्विन, 62 में 273 ऐड कर लेंगे आप लोग, तो वो मैंने अभी वैल्यू फाइंड आउट की थी उसकी, दैट वाज आई थिंक सो बाय एडिंग 273 335, ओके दैट इज 302 केल्विन। तो ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है, किसके लिए, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है टेम्परेचर एट सेकंड एंड। तो देखें जो हमने टेम्परेचर इससे पहले फाइंड आउट किया था वो, और जो इन रेशोज के जरिए आप लोगों ने फाइंड आउट किया है वो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उसका आंसर भी आप लोगों के पास 302 ही आया था। अब जो आप लोगों ने कंप्यूटेशन की है, अब जो आप लोगों ने टेम्परेचर फाइंड आउट किया है, उसका आंसर भी हमारे पास 302 ही है। इसका मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते थे सिर्फ मैक नंबर्स को यूज करते हुए। सिमिलरली प्रेशर्स को भी आप लोग कंप्यूट कर सकते थे, उसको अभी एग्रीमेंट हमने देख लिया है। वेल, अब हम चलते हैं
ये प्रेशर के लिए भी कंप्यूटेशन डायरेक्ट उसने की है कि प्रेशर को भी जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर P2 ओवर P0 और P0 ओवर P1 से, तो स्टैग्नेशन के साथ आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको कंप्यूट करेंगे तो वो 454 ही आप लोगों के पास आ रहा है। द रेंस्टडी रो 2 कैन बी फाउंड फ्रॉम इक्वेशन 13.C यूजिंग द प्रोसीजर दैट T2 एंड P2। ओके, T2 और P2 आप लोगों के पास आ गया है और हमें पता है कि P इज इक्वल टू रो RT होता है। यू नो दैट P इज इक्वल टू रो RT, तो हम क्यों ना वो वाला रिलेशन यूज कर लें। जब एक वैल्यू हमारे पास आ ही गई, P इज इक्वल टू रो RT है, तो PT इज इक्वल टू रो 2 RT2। तो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ डेनेस्टी एट सेकंड एंड, रो 2 इज इक्वल टू P2 ओवर RT2। वेल, तो प्रेशर जो सेकंड एंड पे आप लोगों ने फाइंड आउट किया है दैट वाज 454 किलो पास्कल। ओके, P2 एट सेकंड एंड 452 किलो पास्कल। एंड नेक्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ आर। आर वाज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू वाज 287, दैट इज किलो पास्कल। आर वैल्यू इज 287 न्यूटन मीटर पर केजी इनटू केल्विन। ओके, एंड वी हैव T2 एज 302 केल्विन। अब हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज आ गई। वेल, हमने R की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन में, और केल्विन में ही टेम्परेचर की वैल्यू आ गई है हमारे पास। ये जो आप लोगों के पास प्रेशर था किलो पास्कल में, तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास नजर आ रहा है किलो 10^3 मल्टीप्लाई होना था पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में उसने राइट करने के बाद, जो 10^3 थी जो इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई होना था, और इसको यूं कह लें कि 452,000 पास्कल ओवर 287 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन 302 केल्विन। तो केल्विन एक दूसरे से कैंसिल करने के बाद पास्कल को उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। यहाँ से आप लोगों के पास न्यूटन कैंसिलेशन हो जाएगी और मीटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वेल, किलोग्राम रेसिप्रोकल है, ऊपर चला जाएगा। बाकी आप लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लें, अदरवाइज इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है 4.54 मल्टीप्लाई बाय 10^5 लिखा है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास जो रिजल्ट आया है 5.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेल, ये हमारे पास डेंसिटी आ गई है। सिमिलरली अब हमने जब वेलोसिटी एट सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी के लिए भी सिमिलर टाइप का कोई रिजल्ट हमें लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें कोई फार्मूला ट्रेस करना पड़ेगा कि कोई ऐसी वैल्यू हो जिससे हम फाइंड आउट कर सकें वेलोसिटी। तो हमें पता है वी मैक नंबर इज इक्वल टू वी ओवर सी, वी इज इक्वल टू एम सी। तो वी टू इज इक्वल टू एम टू सी टू। सी के बारे में भी कंफर्म नहीं है तो हम यूं लिख लेते हैं एम टू इंटू के आर टी टू। अब मेरे पास जो भी वैल्यूज हैं वो नोन है, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.4 है, आर की वैल्यू हम पहले कह चुके हैं 287 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम केल्विन है, मैक नंबर एट सेकंड एंड गिवन है आप लोगों को 0.8, और T2 हमने फाइंड आउट किया है टेम्परेचर एट सेकंड एंड। तो क्या आएगा मेरे पास, मैक नंबर 0.8, के 1.4, आर वैल्यू 287 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम केल्विन, एंड T2 इज 302 केल्विन। अब केल्विन एक दूसरे से क्या हो गया है,
कैंसिल आउट हो गया है. वेल अब मैं चाह रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में आए, तो इस न्यूटन की जगह पे इस न्यूटन को ख़त्म कर लेंगे हम, तो 0.8 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई बाई 287. इस न्यूटन की जगह पे मैं लिख लेता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस न्यूटन की जगह पे. बाकी जो मीटर था और किलोग्राम था वो एज इट इज आ गया, तो किलोग्राम एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा. मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो यूनिट मीटर पर सेकंड बच जाएगी, और जब बाकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 279. सो वी हैव 279 मीटर पर सेकंड एज वेलोसिटी एट सेकंड एंड. ओके जी, हमने वेलोसिटी एट सेकंड एंड भी अब फाइंड आउट कर ली है. अब हम एरिया कंप्यूटेशन की तरफ जाते हैं. रेशियोज ऑफ बोथ एरियाज इज इक्वल टू, हमारे पास ए ओवर ए स्टेरिक का रिलेशन है, इस वजह से हम उसी रिलेशन को यूज करने की कोशिश करेंगे. ए टू ओवर ए वन, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन की. अगर ए टू ओवर ए वन की रिलेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो फिर हम ए वन वैल्यू को यूज करते हुए ए टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ए वन हमें पता है. तो हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं ए टू ओवर ए स्टेरिक ओवर ए वन ओवर ए स्टेरिक. वेल तो ए ओवर ए स्टेरिक जो रिलेशन है वो हमने आज ही ड्राइव किया था. ए ओवर ए स्टेरिक रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था ए ओवर ए स्टेरिक इज इक्वल टू वन ओवर मैक नंबर 1 प्लस के माइनस 1 ओवर 2 मैक नंबर स्क्वायर ओवर के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर 2 इंटू के माइनस 1. तो ये जो रिलेशन आप लोगों ने फाइंड आउट किया था, हम इसी रिलेशन को अब दोबारा से क्या करेंगे, यूज करेंगे ए टू के लिए भी और ए वन के लिए भी. फर्क सिर्फ इतना आएगा कि मैक नंबर के साथ जहां पे सबस्क्रिप्ट लगना है वो 2 और 1 सबस्क्रिप्ट साथ में लग जाएगा. तो क्या लिखूंगा मैं इसके लिए कंप्लीट रिलेशन, 1 ओवर मैक नंबर है तो 1 ओवर सेकंड मैक नंबर, और साथ में मेरे पास है 1 प्लस के माइनस 1 ओवर 2 मैक एट सेकंड स्क्वायर ओवर के प्लस 1 ओवर 2 होल पार के प्लस 1 ओवर 2 इंटू के माइनस 1 ओवर 1 ओवर मैक नंबर 1. ये बड़ी लेंथी सी इसकी वैल्यू है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. मैक वन स्क्वायर ओवर के प्लस 1 ओवर 2 के प्लस 1 ओवर 2 इंटू के माइनस 1. अच्छा बेटा, अब हमने जो वैल्यूज राइट की हैं इसमें कोई वैल्यूज आप अब ऐसी नहीं है जो आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम मैक नंबर एट सेकंड हैंड और मैक नंबर एट फर्स्ट हैंड को जानते हैं, गिवन है दोनों, और के की वैल्यू 1.4 ही यूज कर रहे हैं हम. तो फिर क्या आएगा मेरे पास, ये रिलेशन आ जाएगा 1 ओवर फर्स्ट मैक नंबर मेरे पास था 0.8, 1 प्लस के माइनस 1 ओवर 2 बन रहा है मेरे पास 0.2, और मैक नंबर जो था मेरे पास 0.8 स्क्वायर, और जो पावर की वैल्यू कैलकुलेट जब हम करेंगे इस सारे की तो वो क्यूबिक फॉर्म में बन रही है. ओके और नीचे वाली वैल्यू 1.2. तो ये तमाम वैल्यूज मैंने राइट कर दी हैं, सिर्फ मैक नंबर का अब डिफरेंस रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट तमाम वैल्यूज जो हैं वो सिमिलर आएंगी. तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम वाया कैलकुलेटर तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा 0.5101. ये ए टू ओवर ए वन आया है. अब मैंने तो एरिया एट सेकेंड एंड फाइंड आउट करना है, तो अब जब एक वैल्यू आपके पास आ गई है और फर्स्ट एरिया आपको गिवन है, तो आप उस एरिया की वैल्यू यहां पर क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें. वो वैल्यू क्या थी, 0.001 मीटर स्क्वायर,
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है, 5.10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप लोग देखें कि जो एरिया टू है, एरिया वन को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1 × 10⁻³ है, और ए टू जो है वो 5 × 10⁻⁴ है। इट मीन्स एरिया टू इज लेसर देन एरिया वन। जो हमने स्टार्ट में चैनल जस्ट मैक नंबर्स को देख के बनाया था, वो हमारा चैनल ज्योमेट्री ठीक रही कि हमारे पास सेकंड एरिया कम होगा और फर्स्ट एरिया ज्यादा होगा। तो जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इससे रिलेटेड, तो वो हमारी बिल्कुल ठीक रही हैं। लेट अस वेरीफाई। अब यहां तक तो वो बात आ गई कि हमने जो टारगेट्स थे वो क्या अचीव कर लिए हैं। दोबारा इस स्टेटमेंट की तरफ आता हूं। तो इसके जो टारगेट्स थे हमारे इस क्वेश्चन के, वो क्या थे, उन टारगेट्स की तरफ आते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने अचीव क्या किया अभी तक। तो टारगेट्स हमारे थे, आवर फर्स्ट टारगेट वाज स्केच द चैनल शेप। वो हमने चैनल शेप स्केच की, और बाद में जो एरिया आया है उसने भी इसको क्या किया है, शो किया है कि जो हमने वैल्यूज ली थी वो ठीक ले लिए हैं। सेकेंडली हमारे पास एक और टारगेट था, वो टारगेट क्या था, प्लॉट अ टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो हमने ड्रा की, वो हमने उसके बाद डायग्राम एक ड्रा की, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही। थर्डली सेकेंड एंड पे प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी थी, तो सेकेंड एंड पे जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने फाइंड आउट की कि स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद टेम्परेचर, स्टैग्नेशन पे जाने के बाद प्रेशर फाइंड आउट किया, T2 और P2 फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इनको डायरेक्ट भी फाइंड आउट किया जा सकता था, T2 और T1 को, तो वो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। फिर हमने डेंसिटी डायरेक्ट रिलेशन से P2 और T2 को वैल्यूज को यूज करते हुए, इसी तरीके से फिर हमने वेलोसिटी। अब ये याद रखें, अदर देन दिस एरिया कंप्यूटेशन, एरिया टू के अलावा बाकी डेंसिटी और वेलोसिटी जब आप लोगों ने फाइंड आउट की है, तो डेंसिटी और वेलोसिटी के अंदर P2 और T2 की वैल्यूज जो आप लोगों ने पहले फाइंड आउट की थी उनको यूज करना पड़ा है। तो आप याद रखें कि अगर आप लोगों ने टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यूज रॉन्ग इवेलुएट कर ली, तो इनको जब आप लोग नेक्स्ट यूज कर रहे होंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप उसको प्रॉपरली शायद इंसर्ट ना कर पाए या प्रॉपरली उसके साथ डील ना कर पाए। तो इस वजह से आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। फिर हमने एरिया कंप्यूटेशन कर ली है। अब हम तमाम इक्वेशंस को, जो हमारी इक्वेशंस थी, उनको हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास वो वैल्यूज उनके साथ मैच करती हैं या नहीं। अच्छा, डेंसिटी एट फर्स्ट एंड और वेलोसिटी एट फर्स्ट एंड नहीं दी हुई थी, तो हम प्रेशर और टेम्परेचर एट फर्स्ट एंड उनको यूज करते हुए डेंसिटी को भी फाइंड आउट करेंगे खुद से, और जो हमारे पास V1 है उसको भी कंप्यूट करेंगे। वेल, तो ये देखिए, उसने डेंसिटी सबसे पहले कंप्यूट की है, डेंसिटी एट फर्स्ट एंड, क्योंकि मैं कंपेयर जब कर रहा हूं तो कंपेयर करने के लिए, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं उसके लिए हमें डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया तीनों की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम ये तमाम काम करने के लिए अपना जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करें, रो वन भी फाइंड आउट कर लें और वी वन भी फाइंड आउट कर लें। एरिया वन दिया हुआ था, एरिया टू और वी टू और रो टू वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो डेंसिटी एट फर्स्ट एंड हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि डेंसिटी एट फर्स्ट एंड क्या होगी। डेंसिटी एट फर्स्ट एंड विल बी इक्वल टू
p1 over rho rt1. P is equal to rho rt था, तो rho 1 is equal to p1 over rt1. Pressure at first end जो है किलो पास्कल के फॉर्म में था. तो हमने इसकी वैल्यू जो गिवन थी वो देख लेते हैं, हमें क्या दी हुई थी. ओके, तो 650 किलो पास्कल है. तो 650 और किलो की जगह पे 1000 मैंने लिख दिया है, किलो पास्कल, और पास्कल की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट राइट कर दिया. ओके, ओवर आर क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू हम बार बार यूज कर चुके हैं, 287 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन. और T1 जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो 335 केल्विन है. ओके, कुछ तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास इसका यूनिट बचेगा, और बाकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 6.76 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ये हमारे पास डेंसिटी आ गई है फर्स्ट हैंड. इसकी वैसे जरूरत नहीं थी. अगर आप लोगों को क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, अगर आपको कहा जाए कि आप स्केच करें चैनल को, तो चैनल ज्योमेट्री जस्ट स्केच करनी है. अगर आपको टीएस डायग्राम स्केच करने के लिए कहा जाए, तो आपने टीएस डायग्राम जस्ट स्केच करनी है. अगर आप लोगों को वैल्यूज एट सेकेंड हैंड कहा जाए, तो आप जस्ट सेकेंड हैंड A2 तक अपना प्रोसेस करेंगे. इसी तरीके से अगर आप लोगों को इक्वेशन सेटिस्फाई करती है नहीं, तो उसके लिए आपको फर्स्ट हैंड की प्रॉपर्टीज भी चाहिए. तो फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टीज डेंसिटी आ गई है. इसी तरीके से वेलोसिटी एट फर्स्ट हैंड फाइंड आउट करने के लिए m इज इक्वल टू v ओवर c है, तो m1 ओवर c1, तो ये m1 इनटू kRt1. ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए आपने t2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी. तो t1 की भी उसी से ही फाइंड आउट, जिससे आप लोगों ने v2 की फाइंड आउट की, तो v1 की भी उसी प्रोसेस से ही हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं. तो v1 क्या आ गया मेरे पास, मैक नंबर एट फर्स्ट हैंड K1.4 है, R287 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन, और 335 जो है मेरे पास ये टेम्परेचर है. इस न्यूटन की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस न्यूटन को मैंने खत्म कर दिया है, न्यूटन की जगह पे वैल्यू लिख ली है. ये न्यूटन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है, तो आप दोनों में से जो भी काम चाहें कर सकते हैं. अब आप लोग देख लें, कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, तो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगी. इसका मतलब यहाँ तक हमने इसकी फर्स्ट और सेकंड हैंड की डेंसिटीज और वेलोसिटीज भी फाइंड आउट कर ली हैं. फिर हम इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करवाना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसकी इक्वेशन राइट करेंगे कि रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रो टू वी टू ए टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू. ओके, हम तमाम वैल्यूज देख चुके हैं, वो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जब फर्स्ट डेंसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी, फर्स्ट एक्सेलरेशन को, और सेकंड डेंसिटी, सेकंड वेलोसिटी और सेकंड एक्सेलरेशन को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो तमाम का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा दोनों साइडों का. और वो कितना आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते. 0.744 केजी पर सेकेंड. ओके, यू कांट चेक द मोमेंटम इक्वेशन बिकॉज वी डोंट नो द फोर्स आर एक्स प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल ऑफ द डिवाइस. अच्छा, मोमेंटम इक्वेशन को यहाँ पर वो स्किप कर रहा है, 13.2 ए के बाद वो 13.C की तरफ जा रहा है. उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर सम ऑफ ऑल फोर्सेस था, और वो जो सेट ऑफ इक्वेशन 13.2 हमने बनाया था, उस 13.2 के अंदर एक टर्म एक्स आर एक्स अपीयर हो रही थी, ये
आर एक्स टर्म अपियर हो रही थी। अब बाकी तमाम वैल्यूज तो आप लोगों के पास हैं, एम डॉट की वैल्यू भी आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 0.744 फर्स्ट पार्ट से, लेकिन अब हमारे पास आर एक्स नहीं है कि सरफेस फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ऑन द सरफेस उनका हमें पता नहीं है, तो इस वजह से हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम ये कह देंगे कि हम यहाँ से ये वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते। वेल इस वजह से हमने वो जो इक्वेशन है वो यहां से ड्रॉप कर दिया। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन की तरफ जाते हैं 13.2C की तरफ। तो 13.2C क्या कहती है हमें, 13.C को राइट करते हैं अब हम सबसे पहले। ओके, इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो एंथैल्पी रिलेशन जो है आप लोगों के पास वो मौजूद है। तो यहाँ से हम पहले ये रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। वी विल चेक दिस बाय रिप्लेसिंग एंथैल्पी विद टेम्परेचर यूजिंग के H2-H1 जो एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू CP∆T या फिर CP T2-T1, और एयर के लिए CP की वैल्यू जो है हमारे पास कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट 1004, ये मैं आप लोगों को यहां से थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, ये वैल्यू है 1004, ये सीपी की वैल्यू है इसकी। बाकी T2 और T1 की वैल्यूज हम पहले से ही जानते हैं कि CP T2-T1 किसके इक्वल है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इनका एग्रीमेंट कैसे होगा। तो ये देखें H2 H1 दोनों मौजूद हैं, तो मैं इसको कैसे राइट करता हूं, मैं इसको ऐसे राइट करता हूं V1² over 2 = V2² over 2 + H2। ये H1 दूसरी साइड पे जाके आप लोग माइनस कर दें और इसकी जगह पे डेल एच का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, V1² over 2 = V1² over 2 + CP T2 - CP T1। ये वाला जो रिलेशन है CP T2 - CP T1 ये पुट कर दिया। तो अब आप लोग इसको फिर बोथ साइड्स पे शिफ्ट कर लें तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा CP T1 + V1² over 2 = CP T2 + V2² over 2। अब CP की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई है कि दैट इज इक्वल टू 1004 जोल पर किलोग्राम केल्विन, टेम्परेचर जो है वो 335 है केल्विन, प्लस ये मैं पहले इस एंड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ फर्स्ट एंड की, 335 है टेम्परेचर वहां पर फर्स्ट एंड पे, और V जो है हमारे पास V1 की वैल्यू वो 110 है, इनिशियल स्पीड 110 मीटर पर सेकंड के जो हमने फाइंड आउट की थी, ये जो अभी हमने V1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी 110। ओके, V1² over 2, तो इसकी यूनिट्स के भी स्केयर आ जाएंगे मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। वेल तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये आ जाएगी 1000 को 330 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर केल्विन खत्म हो गया है, जोल पर केजी, यहाँ पर जोल पर केजी है, यहाँ पर मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर है। तो जोल लाने के लिए जोल से आप लोग मल्टीप्लाई कर लें और जोल की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करें, जोल क्या होता है हमारे पास न्यूटन मीटर। ओके,
जौला आ गया मेरे पास, नीचे किलोग्राम आना चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कि न्यूटन के अंदर किलोग्राम मैं न्यूटन से मल्टीप्लाई, और क्योंकि ये न्यूटन भी तो खत्म करना है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है, तो सेकंड स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से सेकंड स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 मीटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी जोल पर कैलोन केजी में, ये भी जोल पर केजी में, इसका मतलब यूनिट एग्रीमेंट्स हो जाएगा इनका सबका। तो इसकी वैल्यू 342 आएगी। इसी तरीके से आप लोग जब दूसरे एंड की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही होगी, 342 ही आ रही होगी। ओके जी, तो ये हमने देखें फर्स्ट एंड पे वैल्यूज फाइंड आउट की, 342 किलो जोल पर केजी, और एक्चुअली ये जोल पर केजी में इस फॉर्म में आएगा, तो ये किलो जोल पर केजी के फॉर्म में यहाँ पर राइट कर दिया हमने। उसके बाद फाइनल इक्वेशन दैट वी हैव टू चेक इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ एन आइसेंट्रोपिक फ्लो। पी वन ओवर रो वन पार के इज इक्वल टू पी टू ओवर रो टू पार के, पी ओवर रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें ये चेक करना है कि पी ओवर रो की जो वैल्यू है एट फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड, उन दोनों की रेशियोज सेम है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पर पी वन ओवर रो वन वैल्यू यहाँ पर देखें सब्स्टिट्यूट की गई है। पी वन जो प्रेशर था, और इसी तरीके से जो डेंसिटी आप लोगों ने फाइंड आउट की फर्स्ट एंड पे वो, और दूसरे एंड पे भी, दोनों का आंसर 44.7 किलो पास्कल पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब की आप लोगों के पास भी है ओवरऑल वैल्यू। दोनों साइडों की जो सेम आई है, यूनिट्स को सिंपलीफाई ना करने की रीजन है कि हमने सिर्फ इसको ये वेरीफाई करना था कि बोथ एंड के आंसर सेम आ रहा है। तो हमने तमाम चीजें क्या कर ली हैं, चेक कर ली हैं। तो हमने यहाँ पर जो इक्वेशंस थी उनको यूज भी किया है और बाद में वेरीफाई भी किया है। और जो आर्टिकल्स के अंदर हमने देखा था कि हम किसी एक स्टेट पर होते हुए रेफरेंस स्टेट का इस्तेमाल करके दूसरी स्टेट तक जा सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया कि स्टेट वन से हम स्टैग्नेशन स्टेट की तरफ गए और स्टैग्नेशन स्टेट से दोबारा स्टेट टू की तरफ हम ट्रेवल करते हुए पहुंचे। तो ये दोनों काम हम यहाँ पर कर सकते हैं।